सो गाइज रियलमी काफ़ी जल्द अपने रियलमी X9 एंड X9 प्रो स्मार्टफोन को जो है चाइना के अंदर लॉन्च करने वाला है, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही चाइना के टीना सर्टिफिकेशन साइट पर ये दोनों ही डिवाइस लिस्ट हो चुका है। और ये डिवाइस आपको फर्स्ट ऑफ ऑल चाइना के अंदर लॉन्च होगा और उसके एक से डेढ़ महीने के बाद आपको इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रियलमी X9 के ऑलमोस्ट फुल फीचर्स एंड प्राइसिंग के बारे में, और ये डिवाइस हमें इंडिया के अंदर कब तक देखने को मिल सकता है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, और इसी तरह के डेली टेक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पर आपको फ्रंट साइड की ओर जो है 6.55 इंच की एक सुपर एमोलेड पैनल दिया जाएगा, और ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि इस बार आपको शायद से कर्व डिजाइन दिया जा सकता है, और वहीं आपको 90 हर्ट्ज या फिर आपको 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाएगा। तो डिस्प्ले आपको यहां पे काफ़ी स्मूथ दिया जाएगा और आपको टॉप नॉच का डिस्प्ले मिलने वाला है। साथ ही आपको सिक्योरिटी के लिए अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर मिल जाएगा। बिल्ड एंड लुक की बात करी जाए तो ये स्मार्टफोन आपको पॉलीकार्बोनेट बैक पैनल के साथ आ सकता है, जो कि काफ़ी स्लिम एंड लाइटवेट डिज़ाइन के साथ आएगा, और इसका थिकनेस आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा, और साथ ही स्मार्टफोन लुक वाइज भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम होने वाला है। तो अब बात करते हैं इसके कैमरा के बारे में। तो ये डिवाइस आपको ट्रिपल लेयर कैमरा सेटअप के साथ आ सकता है, जहाँ पे आपको मेन सेंसर जो है 64 मेगापिक्सल का दिया जाएगा, जो कि आपको सोनी का सेंसर देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे कौन सा सेंसर यूज़ किया जाएगा इसके बारे में फिलहाल कंफर्मेशन नहीं है। इसके साथ ही आपको जो है अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड आपको एक सेंसर जो है डेथ या फिर आपको मैक्रो लेंस देखने को मिल जाएगा, और वहीं आपको फ्रंट की ओर जो है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया जाएगा। और इस बार आपको इसके कैमरा के अंदर काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, यानी कि आपको हार्डवेयर के साथ साथ यहाँ पे आपको ऑप्टिमाइजेशन भी काफ़ी बेटर देखने को मिल जाएगा। तो बात कर जाए इसके बैटरी के बारे में, तो जैसा कि स्मार्टफोन काफ़ी स्लिम डिज़ाइन के साथ आएगा, जिसके कारण यहाँ पे आपको ओनली 4400 mAh की बैटरी दिया जाएगा, जहाँ पे आपको 50 वाट या फिर आपको 65 वाट की जो है अच्छी खासी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट इन द बॉक्स मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको चार्जिंग के लिए टैप सी का पोर्ट तो मिलेगा, बट आपको 3.5 mm के ऑडियो जैक जो है यहाँ पे आपको स्किप कर दिया गया है, यानी कि आपको 3.5 ऑडियो जैक शायद से आपको देखने को ना मिले, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको डुअल स्पीकर्स दिया जाएगा। तो बात करते हैं इसके चिपसेट के बारे में। तो यहाँ पे आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन डुअल 7 8G का चिपसेट यूज़ किया जाएगा, जो कि 5G कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है, और ये प्रोसेसर आपको 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी बेस्ड है। तो यहाँ पर आपका ये चिपसेट जो है काफ़ी ज़्यादा पावर एफिशिएंट रहेगा, और यहाँ पे आपको गेमिंग के लिए जो है एडिनो का 642 का LGPU दिया गया है। तो परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको प्राइस के अकॉर्डिंग जो है काफ़ी तगड़ी वाली देखने को मिल जाएगा, यानी कि आप यहाँ पे अच्छी खासी गेमिंग कर पाएंगे। और ये डिवाइस जो है यूजर एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एंड्रॉयड 11 दिया जाएगा, जो कि रियलमी के UI पर बेस्ड होगा। तो बात करते हैं इसके स्टोरेज के बारे में। तो ये डिवाइस आपको 6G+128G बेस ब्रांड के साथ आ सकता है, जिसका प्राइस आपको अराउंड 25,000 के आसपास हो सकता है। और जैसा कि ये स्मार्टफोन आपको फर्स्ट ऑफ ऑल चाइना के अंदर लॉन्च किया जाएगा, तो रूमर्स की माने जाए तो ये डिवाइस आपको जुलाई के महीने तक चाइना के अंदर लॉन्च हो जाएगा, और इंडिया के अंदर आपको अगस्त तक देखने को मिलेगा। सो गाइस फीचर्स वाइज देखा जाए तो यहाँ पे आपको रियलमी की तरफ से यहाँ पे फीचर्स काफ़ी बेटर देखने को मिल जाता है। तो देखने वाली बात हुई कि रियलमी इस डिवाइस का प्राइसिंग क्या कुछ रखता है और इस डिवाइस को इंडिया के अंदर कब तक लॉन्च करता है। वैसे आपको यह स्मार्टफोन कैसा लगा आप जरूर से नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मैं मिलता हूँ आपसे जल्द ही एक न्यू वीडियो के साथ।